नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बीती 20 फरवरी को झज्जर के गांव चिमनपुरा में हुई 23 साल के प्रमोद की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। झज्जर सीआईए पुलिस ने मामले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रमोद की हत्या की साजिश उसी की माँ ने की थी। पुलिस ने बताया कि मृतक प्रमोद की मां के उसी के दोस्त प्रदीप के साथ अवैध संबंध बन गए थे, जिसके बारे में प्रमोद को भनक लग गई थी। दरअसल एक ही गांव के प्रमोद और प्रदीप गुरुग्राम में बतौर बाउंसर नौकरी करते थे, जहां दोनों का एक ही प्रोफेशन होने के चलते दोनों में दोस्ती हो गई और प्रदीप का प्रमोद के घर आना जाना हो गया। प्रदीप के प्रमोद की माँ के अवैध संबंध बन गए, जिसके बारे में प्रमोद को भनक लग गई, जिसके चलते प्रमोद नौकरी छोड़ घर पर ही रहने लगा, जिसकी वजह से प्रमोद की माँ और प्रदीप का मिलना जुलना बंद हो गया, जिसको लेकर प्रदीप ने अपने दो अन्य दोस्तों के साथ प्रमोद की माँ के साथ मिलकर प्रमोद को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और रात को सोते वक्त प्रमोद को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। और इसी के साथ देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। 19-20 की रात को जो मर्डर हुआ था प्रमोद इलियस मोनू का, उसमें जो मृतक है उसकी माँ ही उसकी मृतक की मर्डर करवाने में उसका हाथ मिला और उसके मृतक के माँ के अवैध संबंध थे एक लड़के के साथ जो प्रदीप नाम का है। उसके दोस्त इन चारों ने मिलके उसका मर्डर कर दिया।